हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका गगर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो मैं आज बना रही हूँ अचार, जो आप डिटेल में फॉर अ चेंज शॉर्ट के ब्लॉग में रेसिपी देखेंगे। और यहाँ पे ये बैठ के कर रहे हैं नाश्ता और इनको मिल गया इनका नया गिफ्ट, वो भी आप देख चुके होंगे या देखेंगे, मुझे नहीं पता। सो बस अब मैं जल्दी से अचार बना लूँ, फिर आज मैं बाहर जा रही हूँ तो हम बाहर चलेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं कुछ देर सो गई थी वापस आने के बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी और थोड़ा थक भी गई थी, क्योंकि मैं यहाँ से निकली, मैंने 1.5 घंटे का ट्रैफिक झेला, उसके बाद फ़ोन आ गया मुझे कि सलोन बंद हो रहा है। पर कोई बात नहीं, उनकी भी गलती, उनकी कोई गलती नहीं है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा, एब्सोल्युटली ओके। तो मैं और संतोष भैया बस वापस से मैगी खाते हुए वापस आ गए, और फिर शोएब ने मेरी बड़ी खिंचाई की, वो आपने शोएब के ब्लॉग में देख लिया होगा। तो फिर मैं आई, मैंने नहा वहा लिया और फिर मैं लेटे लेटे सो गई, मेरी आँख लग गई। तो अब मैं उठी हूँ, अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि अब मैं एकदम ऐसी हो गई हूँ। तो अब सोच रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी कुकिंग की जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। आपने अचार कैसे डालना है वो तो आपने शोएब के ब्लॉग में देख लिया होगा, अब मैं क्या बनाती हूँ मैं देखती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ना एक अच्छी सी चाय पी जाए घर वाली, तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। नहीं, ये चाय नहीं है। यहाँ मैंने प्याज लाल होने के लिए रख दिए हैं और ये मूंगफली भून रही हूँ कि मैं अपने लिए कुछ इंटरेस्टिंग डिनर बनाने वाली हूँ। तब ये अनियन लाल होता है, मैंने वो पहले इसलिए किया क्योंकि अनियन को लाल होने में वक्त लगता है। तो अब मैं पीऊंगी अच्छी सी चाय। एक्चुअली मेरा क्या है ना, मैं आज थोड़ी सी क्रैंकी मूड में हूँ और आप तो जानते हैं माई लव फॉर कुकिंग। तो जब मैं ऐसे मूड में होती हूँ ना, तो मैं खूब अच्छी अच्छी कुकिंग करना चाहती हूँ, ताकि आई फील गुड, आई फील फ्रेश, आई फील हैप्पी। सो अब मैं पीऊंगी चाय। तो सबसे पहले चाय रेडी करते हैं, और आज मैं ऑरिक ब्रांड की मसाला चाय यूज कर रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है गाइस, मतलब ये सुन के ना मेरी आधी थकान या माइंड ऐसे रिलैक्स हो जा रहा है। इट हैज मोरिंगा एडेड। सो मैं जल्दी से अपनी चाय बनाती हूँ और पीती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे। सो गाइस, ये बनाई गई है ब्लैक टी फ्रॉम आसाम और दार्जिलिंग से। इसमें ऑथेंटिक मोरिंगा लीव्स भी हैं, और उसके साथ साथ 7 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मसाले जैसे कि सिनेमन, क्लोव, कार्डमम, जिंजर, ब्लैक पेपर, तुलसी और स्टार एनिस। मैंने इसे नॉर्मल दूध के साथ बनाया, आप ब्लैक टी भी पी सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट ब्लेंड्स ऑफ अ कड़क मसाला चाय जो मैंने अब तक कभी टेस्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कई सारे हर्ब्स हैं जो कि इसे एक परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, प्लस इसमें मोरिंगा है, इस वजह से दिस इज वेरी रिच इन विटामिंस एंड अ फैबुलस इम्यूनिटी बूस्टर। मुझे तो ये चाय बहुत अच्छी लगी, आपको तो पता ही है आई एम अ क्रेजी चाय लवर, तो ये मेरे लिए तो डेफिनेटली फिक्स्ड होने वाला है। एंड इसमें और क्यूट चीज पता है क्या है, हर परचेज के साथ आपको ये एक कोकोनट शेप कुल्लर और ये एक वुडन स्पून एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। इट्स जस्ट ऑरिक की तरफ से एक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फार्मर्स एंड द आर्टिसन। सो गाइस, ये है ऑरिक ब्रांड का हॉट चॉकलेट विद अश्वगंधा। ये बनाया गया है डार्क इंटेंस हॉट चॉकलेट पाउडर फ्रॉम इंडोनेशिया से, एंड इसमें डाला गया है अश्वगंधा, जिस वजह से आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। ये आपको डीप पीसफुल स्लीप में बहुत हेल्प करता है, एंड एंटी ऑक्सीडेंट रिच होने के साथ साथ दिस इज फैब्यूलस इन टेस्ट एंड अरोमा। और आप ये हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क किसी में भी मिक्स करके पी सकते हैं, एंड इट इज वेरी सेफ, बच्चे भी ये ले सकते हैं, सो इट इज एब्सोल्युटली गुड। एंड ये है ऑरिक ब्रांड की गोरमे कॉफी विद टर्मरिक, फ्रेशली रोस्टेड कॉफी विथ टर्मरिक। सो दिस इज एन एट होम टर्मरिक लाते विथ अमेरिका अप्रूव्ड टर्मरिक। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी मिक्स है गाइज, और ये आपको लंबे समय तक अवेक और अलर्ट रखती है। इसके साथ साथ इसमें एंटी एजिंग और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी है, जिस वजह से ये आपके हार्ट और आपकी स्किन के लिए फैब्यूलस है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर ब्लड शुगर। सो मैं अभी अपनी ये चाय आराम से फिनिश करूंगी, इसे एंजॉय करूंगी, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा गाइस, बहुत ही फैबुलस टेस्ट है इसका। इनकी वेबसाइट से परचेज करते हुए आप मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, विच इज दीपिका 25 फॉर 25% ऑफ। सो ये मेरा अनियन जो है अच्छी तरह से लाल हो चुका है, एक्चुअली मैंने बीच में इसको ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं चाय एंजॉय कर रही थी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से स्पाइसेस, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, आप लोगों को ज्यादा तीखा पसंद है तो आप अपने स्वाद के हिसाब से ज्यादा डाल सकते हो, थोड़ा सा चिकन मसाला, लास्ट ऑब्वियसली नमक।
एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साइड बाय साइड मैंने ये पेस्ट रेडी किया है जो मुझे इसमें ऐड करना है। अब ये है थोड़े से लहसुन, ये एक हरी मिर्च, ये मुट्ठी भर मूंगफली जो मैंने रोस्ट करके पील कर लिया। अब ये 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, इसमें मैंने पानी डाल के इसे इस देखिए पेस्ट बना लिया है, और ये अब मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, बेसिकली जार में ही बचा हुआ, ताकि मसाला वेस्ट ना हो। अब इसे मैं कवर करके अच्छे से कुक होने दूंगी, ताकि मसाला जो है अच्छे से कुक हो जाए, उसके बाद इसे बैंगन में फिल करेंगे। और ये मैंने रख दिए हैं राइस कुक होने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है कर्ड राइस। सो अराउंड 10 to 15 मिनट्स मैंने उस हमारे मसाले को अच्छे से कुक कर लिया है। ये रहा बैंगन, ये मैंने इस तरह से धो के देखिए स्लिट कर लिया, और ऐसे मैंने फिल कर लिया है बैंगन में सारा मसाला। अब मैंने एक कढ़ाई में लिया थोड़ा सा ऑयल, इसे मैं वार्म होने दूंगी, इसके बाद हम ये राई और कड़ी पत्ता डालेंगे, उसे स्प्लैटर होने देंगे। ये मैंने डाली 3 लाल साबुत मिर्च, फिर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और थोड़ी सी हल्दी डाली मैंने, और अब मैं ये बैंगन इसमें प्लेस करूँगी, और उसके बाद इसे हमें एक अच्छा सा स्टर देके कवर करके कुक होने दूंगी। इस पॉइंट पे आप अगर मसाला टेस्ट करेंगे तो आपको थोड़े से कच्चे प्याज का टेस्ट आएगा, पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जब आप इस मसाले को कवर करके कुक करेंगे बैंगन के साथ, तो सब कुछ अच्छे से कुक हो जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। सो बस अब हम इसे कवर करके अच्छे से कुक होने देंगे, जब तक बैंगन पूरी तरह से पक नहीं जाता है, और फिर हम इसे खाएंगे। ओके, सो अब मैं बिगिन कर रही हूँ एक नींबू का अचार डालना। ये विदाउट ऑयल अचार डाला जाता है। तो ये है, मैंने नींबू अच्छे से धो लिए हैं और ये काफ़ी सूख गए हैं, और ये है हरी मिर्च। इस तरह से मैं नींबू को कट कर रही हूँ, ये देखिए 8 हिस्सों में, यानी कि क्वार्टर क्वार्टर पीसेस में। इसमें सबसे मेहनत वाला काम पता है क्या होता है, इसे कट तो कर लिया चलो ठीक है वो तो जल्दी हो जाता है, इसके बीज निकालना सबसे मेहनत का काम है। ये देखिए मेरे यमी से बैंगन कुक होकर रेडी हो चुके हैं, मसाला भी ऑयल छोड़ चुका है, पूरी तरह से पक चुका है, रेडी टू ईट। तो आज मैडम को भूत सवार हुआ है, रात में 1 बजने वाला है और ये नींबू का अचार बना रही है, तो हम इनकी व्लॉगिंग करते हैं। बन रहे नींबू का अचार, क्या क्या हो गया अभी? मेरा यहाँ एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि लो फिर आ गया मेरा कंटेंट चुराने के लिए। ठीक है, मैं अपने आप को दिखाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ ये लो। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं, क्या मेरा एकदम यम्मी सा बैंगन रेडी हो गया है। रिजा नीचे से मुझे रोटी लाके दे रही है, मेरे चावल रेडी है। ये ऑलमोस्ट कट करके मैंने डीसीड कर दिया है। ओके, और अब मैं ये मिक्स करके फिर सुकून से खाने बैठूंगी। ओके, ये क्या है? सब सब सामान आया अभी। अच्छा, बाय द वे सब पूछ रहे हैं, जो आपने मुझे आईपैड गिफ्ट किया है, हाँ, वो कैसे आपने कस्टमाइज कराया? तो जब आप एप्पल की वेबसाइट पे जाओगे, गूगल पे सिंपली टाइप करना एप्पल इंडिया, तो आपको मिल जाएगा मेरी आगे रोटी। थैंक यू रिजा। तो वहाँ पे बाय का ऑप्शन आता है, वहाँ पे ऑब्वियसली आप उससे भी ऑनलाइन खरीद सकते हो सब कुछ। तो जब आप आईपैड या फोन वहां से ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर करते वक्त जो स्पेसिफिकेशंस आपको चुनने हैं, उसमें नीचे आता है फ्री एनग्रेविंग। वहां पे आप जो भी एनग्रेव करवाना चाहते हो, 2 लाइनें आप लिखवा सकते हो। तो जैसे मैंने लिखवाया शोएब इब्राहिम स्टार, खुश रहिए प्यार बांटिए स्टार। वैसे बहुत सारे उनके पास इमोटिकॉन्स वगैरह सब, उनके पास पूरा टेबल है, वहां पे आप सिलेक्ट करो। यहाँ तक कि अगर आप आईपैड की पेंसिल भी मंगवा रहे हो, तो उसपे भी आप कॉर्नर में अपना नाम लिखवा सकते हो। वो मुझे मंगवाना है अभी। हाँ, तो द ओनली हिच हियर इज कि इट टेक्स टाइम, क्योंकि और हाँ, जो फॉर्मेट है, जो प्लेसमेंट है, वो आप नहीं बदल सकते, वो उनका फिक्स्ड है। आपको बकायदा वहां पे डेमो दिखेगा, जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो वहां पे एक फिगर आपको दिखेगा, लेकिन आप उसकी प्लेसमेंट नहीं बदल सकते। आप जो लिखना चाहते हो ऑब्वियसली वो आपकी चॉइस है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मैंने लेकिन शोएब की आईपैड को आई मीन 1.5 महीना गया पूरा। हाँ, तो आप अगर इतना सुकून से वेट कर सकते हो, मैंने पता नहीं कैसे वेट कर लिया, तो आप ये चीज मंगवा सकते हो। बट इट्स वर्थ इट, है ना? हाँ, अच्छा लगता है जब खुद का एनग्रेव होके आता है। आई थिंक मैंने आपको अपने ब्लॉग में या किसी के ब्लॉग में बताया था ना बर्थडे के दिन,
कि इसने बुक कर दिया था, लेकिन इतना वक्त था तो ये अपना सरप्राइज नहीं रख पाई थी और इसने मुझे बता दिया था कि शिव मैं पहली बार हुआ है कि मैं अपना सरप्राइज नहीं रख पाई, शिव मैंने एक ऑर्डर किया है ऐसा ऐसा है लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा ऐसा ऐसा। मैंने कहा चलो कोई नहीं ठीक है। तो यस वक्त लगता है, एक डेढ़ महीना लग जाता है पूरा उसको आने में अगर आपके पास, अगर आप इतना पेशेंस है, क्योंकि कभी कभी नॉर्मली पेशेंस नहीं होता है ना कि अभी अभी तो हमने सोचा कि अगर हम फोन भी अब चेंज करेंगे कभी तो अब डायरेक्ट यहीं से लेके फोन पे भी अपना हम नाम लिखवा के करेंगे वो अच्छा लगेगा। ये पहले कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ब्लैक हुडी पहनता हूं तो मैं शाहरुख टाइप लगता हूं, नहीं एनीवेज वो सब ठीक है। अभी तो अब किसी का बर्थडे आने वाला है या मैडम का बर्थडे आने वाला है, क्या चाहिए बोलो, तुम क्या दोगे बोलो यार, मैं क्या दूं, हर चीज सरप्राइज होना चाहिए ना, अच्छी सी डेकोरेशन, वो तो ऑब्वियसली बात है, वो तो मैं आपको पता है मैं कोशिश करता हूँ हर वक्त इसे पैम्पर करने की, जैसे भी कर सकूं ये भी करती है मैं भी करता हूँ, तो वो तो एक बहुत मतलब एक जनरल सी चीज है। और कुछ बताओ गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें, इस बार बहुत अच्छा रिएक्शन होंगे आई प्रॉमिस। तो आप हमें, मुझे एक्चुअली इसका व्लॉग है ये, लेकिन आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं इसको इस बार क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, गिफ्ट्स भी हो सकते हैं ठीक है, पर एक्चुअली अल्लाह के शुक्र से अल्लाह के करम से सब कुछ है, तो कुछ इनोवेटिव आइडिया आप अगर दे सकते हैं तो प्लीज दीजिएगा। लेकिन हाँ एक चीज, इसके कमेंट में मत, इसके ये ब्लॉग में मत बताइएगा, क्या मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, नहीं नहीं अरे पर तुम फिर जान जाओगी ना, तो मैं क्या आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, कमेंट्स तो मैं आपके वीडियो में भी जाके पढ़ती हूं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shoaib2087, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा shoaib2087 ठीक है, तो वहां पे मुझे आप इनोवेटिव आइडियाज दीजिए, और अगर एक कमेंट हियर मैं बता दूंगी हाँ मुझे ये आइडिया अच्छा लगा ये नहीं लगा, और अगर किसी का आइडिया वाकई में बहुत अच्छा हुआ गाइस बहुत ही इनोवेटिव होना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकूं, ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि चांद पे चले जाओ ये कर दो, वो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर वो अच्छा लगा तो जब मैं वो करूंगा तो मैं उस शख्स का नाम भी लूंगा कि हाँ इसका ये दिया हुआ, इसका ये दिया हुआ आइडिया था, इसने मुझे बताया था। तो प्लीज हाँ ध्यान रखिएगा इंस्टाग्राम हैंडल shoaib@shoaib2087 ठीक है, ब्लू टिक है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, मत होइएगा, और आप मुझे उसमें डीएम करिएगा ठीक है, तो अब इनकी पैम्परिंग चालू होगी। हाँ वैसे वन मंथ टू गो आप काउंटडाउन भी कर सकते हो, फर्स्ट सजेशन, आपके वो फैंस कर रहे हैं ना कितने, देखो तो आप भी तो कर सकते हो, मैं तो रोज ही करता हूँ पैम्परिंग में, देखो पैम्परिंग कर रहा हूँ तुम्हारा व्लॉग आज मैं बना रहा हूँ ये देखो, चलो मेरे लिए कर्ड राइस बना, कर्ड राइस बनाऊ, देखो घाटा इसी का होगा, नहीं मैं कैसा भी, देखो वो डिश ऐसी है जो खराब हो ही नहीं सकती, तो खराब करके खा लो, आमरस पूरी चिकन कोरमा बना के बैठे हो मास्टर शेफ और कह रहे हो, देखो कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं आमरस बना रहा हूँ मैं ये बना रहा हूँ, तो मैं कोई कुक नहीं हूँ, मैं जब भी कोई चीज बनाता हूँ तो उससे इसके जवाब मैं देता हूँ, एक मिनट एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं फिर बोलना, जब भी मैं कोई चीज बनाता हूँ ना तो उससे पहले मैं वीडियोस देखता हूँ उसके यूट्यूब पे, मैं भी कि अच्छा कैसे बनेगा, फिर उसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, इवन आमरस के लिए मैंने ऐसे किया था क्योंकि मैंने कभी आम खाता नहीं हूँ, मैंने कभी बनाया नहीं था, तो वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। हाँ अगर तुम कर्ड राइस बोल रही हो तो अभी शायद मैं ना बना पाऊँ, कल मैं उसकी रेसिपी देख के मैं आपको खिला दूंगा, मुझे अभी भूख लगी है मैं बताती हूँ ना, तो अभी दूध चावल खा लो तुम, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है मैं दूध चावल के साथ खाऊं, हाँ देखो कुछ लोगों में होता है ना कि आप खाना देख के पहचान जाओ या खाना देख के समझ जाओ, वो इनमें है कि अभी मसाला भूना नहीं है और भूनना है, या जो पहचान होती है खाने को देख के वो है, तो उस चक्कर में ये बाजी मार ले जाते हैं। अब देखो शुरू से खाने के इतने शौकीन रहे हैं। वैसे शोएब आमरस बोलिए, आम का महीना खत्म होने वाला है, हाँ तो एक बार और आमरस खिला दो ना, खिला देंगे बर्थडे मंथ एक बार डेफिनेटली खिला देंगे, कल नहीं कल मीटिंग है अपनी, कल अपने को जाना है फ्राइडे सैटरडे संडे में से खिला दूंगा एक दिन पक्का, ये जनाब अपने फेवरेट के हाथ से खाना खा रहे हैं, कर लो खुश तो बहुत होगे तुम हैं? आज खुश तो बहुत होगे तुम, शोएब खाना खिला रहे हैं, इस अचार में ऑयल बिल्कुल भी नहीं डलता है, तो इसका जो वो कुकिंग एजेंट है दैट इज सॉल्ट, तो इसमें हम लेयरिंग करते हैं, और ये एक्चुअली मेरे पापा की रेसिपी है और पापा को ये अचार बहुत पसंद है, सो ये मैंने उनसे सीखा है, तो सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले लेयर में नींबू डाल देंगे, हाँ
इसके ऊपर थोड़ा सा लहसुन। अब ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सबकी क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो। आप चाहो आप सिर्फ नींबू का अचार भी डाल सकते हो बिना किसी और चीज के। थोड़ा अदरक लहसुन डालोगे तो वो बेनिफिट करेगा। जैसे जैसे नमक अपना पानी छोड़ता है और नींबू भी अपना पानी छोड़ता है, वैसे वैसे ये अचार कुक होता रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी आप किसी भी सीजन में डाल सकते हो क्योंकि नींबू तो आपको हमेशा मिलता है। अब ये करीब 10 से 15 दिन आप अगर सुकून से पेशेंस से रख सकते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स उसके बाद दिखेंगे। हर दिन या 2-3 दिन बाद ही पानी छोड़ना स्टार्ट करेगा। उसके बाद आप इसको बंद रख के जितना मिक्स कर सके उतना मिक्स करते रहें एंड ये पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगा। सो दिस इज नींबू का तीखा अचार। और ये भी देखो, इसमें भी ऑयल ऊपर यहां तक था, भी ऊपर आने लगा है। यस, भरे हुए बैंगन किसके फेवरेट नहीं होते। प्लस उसमें वो पीनट, वो कोकोनट, सारे फ्लेवर्स इतने यमी लग रहे हैं। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ अपना डिनर एंड आज मेरा पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया है। मैं कुछ टीवी पे लगा लूंगी, फिर काफी देर तक वो देखेंगे। ये कर्ड राइस मैंने बनाए हैं इस उम्मीद से कि शायद जनाब थोड़े ललचा जाए तो थोड़ा सा खा लें। खाओगे? सोचेंगे, देखूंगा। ओके ठीक है, चलो बाय। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अगली मॉर्निंग हो चुकी है। कल का खाना इतना यम था कि मैं इंजॉय करके सो गई। और अभी हम उठे हैं, जस्ट आज हमारी मीटिंग है तो हम लोग भाग रहे हैं। एज यूजुअल हम लेट हो चुके हैं मेरी वजह से। इंजॉय करके नहीं सो गई, ज्यादा खा के सो गई। हाँ, इसलिए देखो मेरा फेस फूला फूला लग रहा है। पर खाना इतना यम बना था कि मैं क्या करूँ। सो एनीवेज, आज मैं ये वीडियो अब यहाँ खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं कल रात को क्लोजिंग नहीं ले पाई। तो मैंने सोचा चलो पहले क्लोजिंग शूट कर लेते हैं, फिर अगर नया ब्लॉग बनाने तो देख लेंगे। सो गाइज आप लोग भी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दीपिका की दुनिया को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो यार। और हाँ, ऑफिशियल को भी, शोरूम ऑफिशियल को भी। और इंस्टा ट्विटर भूल गए आप? और हाँ, याद है ना आपको कि ऑरिक के जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, द अमेजिंग कॉफी, हॉट चॉकलेट एंड द टी विथ मोरिंगा, वो मैंने अभी दोबारा पी है। इट्स अमेजिंग गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, देर मत कीजिए। उनकी वेबसाइट पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। सो जल्दी से परचेज कीजिए एंड ट्राई एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट इन माई कूपन कोड विच इज दीपिका 25।